स कैसे हो आप सब लोग आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स तो यस मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई टैरो रीडिंग लेकर जिसमें हम यही देखेंगे कि नेक्स्ट थ्री मंथ्स में वो कौन से तीन मेजर इवेंट्स हैं जो आपके साथ होने वाले हैं तो यस इस रीडिंग को आपको अपने बर्थ डेट के हिसाब से देखना है जो भी आपका मूलांक आएगा ना उसके बेस पर आपको देखना है तो सारे जो टाइम स्टैम्प्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है वहाँ जाइए और फिर अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए उसे देखिए ओके साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट ये है कि ट्वेंटी ऑफ जनवरी को मेरी नई वर्कशॉप आ रही है आई एम मनी मैगनेट वर्कशॉप जो कि अबंडस और प्रॉस्पेरिटी की वर्कशॉप होने वाली है माँ लक्ष्मी की ये जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है इसे ध्यान में रखकर इस वर्कशॉप के कॉन्टेंट को रेडी किया गया है तो येस अगर आप भी दो हज़ार चौबीस में चाहते हैं कि आप अबंडन कॉन्शसनेस में यू नो टैप इन करें अपनी जो लैब कॉन्शियसनेस है उसे हील करें और अपने जीवन में प्रोग्रेस देखें सक्सेस को देखें तो यस ये वर्कशॉप आपके लिए है इस वर्कशॉप का जो कंटेंट है अगर उसके डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं आई हिल जी मेल डॉट कॉम पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वर्कशॉप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस और मेरी ई मेल अवेलेबल है ओके okay? तो एक बार जो है आप ज़रूर जो डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स है उसे अच्छे से देखेगा साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी तो वहाँ पर भी आप जो है उसे चेक कर सकते हैं ओके okay? तो चलो अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर जय हो मंगल हो हाय पायल वन वेलकम टू योर रीडिंग सो लेट्स पाइल नंबर वन नेक्स्ट थ्री मंथ्स में वो कौन से तीन इवेंट्स हैं जो आपके साथ होने वाले हैं आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं थैंक यू ओह व वेरी नाइस पाए नंबर वन सबसे पहले आपकी बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है ओके नेक्स्ट थ्री मंथ्स के लिए और साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी है विच मीन्स कि अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं आप कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो येस आई थिंक आपका आपकी कीमत बढ़ने वाली है आप जैसे एक्सपेंसिव होने वाले हो यू नो सो एक्सपेंसिव एंड ये एनर्जी है आपकी तो सबसे पहला इवेंट मुझे आपके लिए होता हुआ दिख रहा है कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे ओके okay? कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करोगे आप यहां पर लिखा है ग्रेट शिफ्ट यहां पर लिखा है गुड तो ऐसा लगता है कि ये तीन महीने जैसे आपका लकी पीरियड भी होगा ओके लकी पीरियड उसकी वजह से बहुत कम समय में बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आप बहुत मैसिव जो रिजल्ट्स हैं उन्हें मैनिफेस्ट करने वाले हो ओके okay? तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे कुछ यू you नो know, um, जैसे यहाँ पर मुझे जो स्टेटमेंट चैनल हो रही है दैट यू आर मेकिंग समथिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल बेसिकली यू नो कुछ इम्पॉसिबल है बट देन यू आर मेकिंग इट पॉसिबल ओके और उसकी वजह से जो उस, उसका इम्पैक्ट है आपके ऊपर भी आपके खुद के माइंड के ऊपर भी और आपके इर्द गिर्द की दुनिया के ऊपर भी वो बहुत बड़ा है ओके सो लकी पीरियड प्लस शॉर्ट पीरियड में मैसिव रिजल्ट्स हैं आपके लिए दूसरा आई बिलीव आपकी फिजिकल बॉडी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी ओके okay? आपकी फ़िज़िकल बॉडी में आपकी जो फिज़िकल बीइंग है ये पूरी इसमें मुझे लाइट एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है लाइट एनर्जी इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात करती है डीएनए uh, हीलिंग के बारे में बात करती है ब्लड लाइन हीलिंग के बारे में बात करती है या फिर अगर आपकी कोई और भी पेन बॉडी मैनिफेस्ट हुई है आपकी फ़िजिकल बॉडी में आई बिलीव नेक्स्ट थ्री मंथ्स में उसकी एक रेडिकल हीलिंग है जिसे आप विटनेस करोगे um, अगर आप डिपेंड हो अपनी बॉडी को हील रखने के लिए अगर आप किसी चीज़ पर डिपेंड रहते हो चाहे फिर वो मेडिसिन हो चाहे फिर वो कोई और टूल हो आई थिंक ये जो डिपेंडेंसी है आपकी ये ख़त्म होगी ओके okay? और आप अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंस का आप एहसास कर पाएंगे कि अब आपकी बॉडी को हेल्थ के लिए किसी चीज़ पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है आपकी बॉडी खुद के ही पूरे सिस्टम को हील रख हील रख पा रही है हेल्थी रख पा रही है ओके सो फिज़िकल बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन है और दूसरा मुझे ये भी लगता है कुछ लोगों के लिए थ्री uh, रियलिटी में um, फैमिली से जुड़ी हुई गुड न्यूज़ है प्रेगनेंसी हो सकती है फर्स्ट प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी आपकी एसेट्स में इंक्रीज हो आप वो इंक्रीज हो सकते हैं आपकी सेविंग्स अकाउंट बढ़ सकता है ओके okay, ये एक एनर्जी मुझे दिख रही है बट येस yes, बहुत एक्सपेंसिव uh, एनर्जी है यहाँ पर लेट्स सी टेरो से क्या डिटेल्स हमें दिखती हैं Yep, look, we have the Nine of Pentacles, the very first tarot card. We have the Ten of Swords, Eight of Cups, Ace of Wands, and Queen of Swords. you're becoming better pile number 1 you know with the ace of wands and with the queen of swords this is this is a very positive energy we also have the judgment card yes you're becoming stronger and you're becoming better यू नो आप अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को भी जैसे बहुत सीरियसली ले रहे हो इन चीज़ों को कि मुझे मेरे माइंड का अपने माइंड सेट का ध्यान रखना है मुझे मेरी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना है मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मैं कहाँ एंगेज ज़्यादा होता हूँ कहाँ ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हूँ सो आई थिंक आपकी ओवरऑल जो इंटेलिजेंस है वो बहुत इंक्रीज होगी ओके और इसके चलते आपके जो डिसीजनस हैं वो मुझे बहुत बेटर डिसीजनस दिख रहे हैं ऐसे डिसीजन जिसमें कोई गिल्ट या एम्बारसमेंट नहीं है बल्कि एक प्राउड एनर्जी है कि यू you नो know, मैंने राइट डिसीजन लिया, चाहे फिर वो डिसीजन यू नो कुछ लोगों को नहीं भाया या कुछ लोगों के लिए वो टफ था, चाहे मेरे लिए भी टफ था right okay? बट स्टिल आपका जो करियर है वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकता है एलिफेंट मेडिसिन आई है आपके लिए एलिफेंट्स बहुत बड़े होते हैं साइज में राइट right? so, um, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके um, जो है करियर में आ सकती है मैंने आपको पहले ही बोला कि आपके, आपके मुझे सेविंग्स अकाउंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है you know? पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आप अपने आइडियाज पर भी काम कर रहे हो कि हाँ ये मनी ये ये आइडिया पर काम करके मुझे मैं मनी जनरेट कर सकता हूँ तो आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर रहे हो क्योंकि हमारे पास एस ऑफ वॉन्स भी हैं एसीज Ace, जो है खास करके एस ऑफ वो हमारे लिए आ, ऊर्जा प्रोवाइड करती है किसी काम को लॉन्च करने की तो आप लॉन्च कर सकते हैं सोशल मीडिया पर अगर आप आना चाहते हैं बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए बुरी आदतें गंद, गंदी गंदी आदतें जो होती हैं हम सभी में कहीं ना कहीं उनको क्लोजर देना उनको एंड करना या फिर कह लीजिए कि उनको चैलेंज करना कि न, मुझे मुझे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो सारे एक्शंस जो है ना आपके वो बहुत फ्रूटफुल होंगे बहुत फ्रूटफुल बहुत सारी अबंडेंस है आपके लिए और बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ये अबंडेंस आपके लिए अवेलेबल है विद द एड ऑफ कप्स एनर्जी ऐसा भी लगता है कि आपकी इमोशनल बॉडी भी ना डिटैच uh, कर रही है उन अनहेल्दी चीज़ों से जो बेसिकली आपको आपको ट्रैप रखती हैं यू नो चाहे इमोशनल ईटिंग हो चाहे किसी पर्सन के साथ टॉक्सिक पर्सन के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो आप कह रहे हो कि नो no, No means no. अब और मुझे इस ट्रैप को इस पैटर्न को रिपीट नहीं करना कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ही इनडायरेक्ट वे में अपनी ब्लड लाइन हीलिंग करोगे विद एट ऑफ कप्स एनर्जी आपके माता पिता में कोई पैटर्न हो सकता है जो थोड़ा टॉक्सिक हो लेकिन आप नेक्स्ट थ्री मंथस में इस टॉक्सिक पैटर्न को खुद में हील करोगे तो यू नो इन वे आप चोजन रहे हो इस जर्नी पर निकलते हुए सो यस ब्लड लाइन हीलिंग भी है यहां पर ओवरऑल मुझे बहुत प्रॉस्पेरिटी uh, से भरा हुआ पीरियड दिख रहा है आपके लिए मैं आपको यहां पर यही इनकरेज करूंगी कि जितना हो सके एक्शन लीजिएगा आप खुद भी अपने अपने आप को हैरान कर सकते हैं यू you नो know, कभी कभी होता है ना कि हमने खुद ही एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि यार इतने शॉर्ट पीरियड में मुझे इतना बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा इसकी आप उसे मुकम्मल कर सकते हो उसे पूरा कर सकते हो जस्ट बिकॉज अगर आप एक यू नो एस ऑफ वॉन्स से एक एक्शन लो इस एनर्जी को चैनल करो ओके सो येस नंबर भवान ये है आपकी रीडिंग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा ओके टेक केयर बाय हाय पायल टू वेलकम टू योर रीडिंग सो लेट्स सी पायल नंबर टू नेक्स्ट थ्री मंथ्स में वो कौन से तीन इवेंट्स हैं जो आपके साथ होने वाले हैं आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं थैंक यू ओके सो नंबर में पहले ओवरऑल एनर्जी बता देती हूं आपको ओवरऑल एनर्जी है खुद को डिस्कवर करने की नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आपका जो काम चलेगा यू नो माइंड बॉडी स्पिरिट लेवल पर वो यही है कि आप खुद को समझेंगे खुद को जानेंगे खुद को पहचानेंगे ये जो डेफिनेशन होती है इस क्वेश्चन की कि हु एम आई मैं कौन हूं इसका कहीं ना कहीं एक रफ आंसर आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल होगा ओके okay? और आप इसे ऑब्वियसली बिल्ड करोगे आने वाले तीन महीनों के बाद की जो जर्नी है बट येस डिस्कवरी का पीरियड है ये आपके लिए और um, आप खुद को समझ पाओगे ओके आप खुद को समझ पाओगे मुझे यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए चैनल मैसेज रिसीव हो रहा है वो ये है कि जैसे आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए तो जैसे वो जो डिस्कार्ड करने की एनर्जी होती है कि छाटना कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए ये अलग बात है कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए लेकिन मुझे क्या नहीं चाहिए इसकी क्लैरिटी है तो जैसे आप पजल का जो 50% परसेंट हिस्सा है उसे सॉल्व कर पाओगे ओके सो ये एक ओवरऑल एनर्जी है अगर आपके थ्री मेन इवेंट्स की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर पहला पहला इवेंट ये है कि कोई ना कोई एक ऐसा काम कोई ना कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसी स्थिति आपकी लाइफ की जो आपसे बहुत हार्डवर्क मांगेगी ओके आप बहुत हार्डवर्क करने वाले हो आप बहुत मेहनत करने वाले हो इसके चलते हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइज करना पड़े आपकी नींद हो सकती है आपका अगर बाहर घूमने जाने का मतलब ऐसा कोई व्यवहार है तो उसमें थोड़े आप चेंजेस लेकर आ सकते हो क्योंकि ये पीरियड होने वाला है हार्डवर्क का अगेन कोई ना कोई एक चीज़ जरूर है जो आपको बार बार कहेगी कि हार्डवर्क करो हार्डवर्क करो तो यस yes, कोई चीज़ है जिसको लेकर आप अपनी शिद्दत की एनर्जी में यू नो टैप इन करने वाले हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड ऐसा दिख रहा है कि यू you नो know, इस बार मुझे ये चीज़ को अचीव करना है मुझे इस गोल को अचीव करना है मुझे इस मुकाम तक पहुँचना जैसे आप बहुत स्ट्रोंग माइंड सेट में हो और ये स्ट्रोंग माइंड सेट में होने की वजह से आप हार्डवर्क करोगे ओके okay? दूसरी चीज दूसरा इवेंट मुझे आपके लिए ये दिख रहा है कि आप अपने आप अपने कर्मा अपने कर्मा को बहुत क्लीन करने वाले हो और उसकी वजह से आप अपना अगर कोई बैड लक है उसे आप अपने गुड लक में बदलोगे ओके okay? um, जो लक होता है जो कर्मा का सिद्धांत होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करना अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर साथ ही साथ अपने इन एंड यांग की एनर्जीज के ऊपर बैलेंस के ऊपर काम करना तो येस आई थिंक सम हाउस स्परिचुअली आप नेक्स्ट थ्री मंथ्स में अपनी शेडो शेडो के ऊपर काम करोगे इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करोगे जिसके चलते आपका बैड कर्मा रिलीज होगा और गुड कर्मा आपके लिए जनरेट होगा गुड लक आपके जीवन में आएगा ओके okay? आप एक मेरुकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो खास करके अपने रिलेशनशिप्स में ओके okay? यहाँ पर सेवन नंबर की एनर्जी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करती है तो कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव मिरोकल्स आपके रिलेशनशिप्स में मैनिफेस्ट हो सकते हैं तीसरा इवेंट जो मुझे आपके लिए होता हुआ दिख रहा है 2023 का लास्ट ईयर का 2023 का अगर कोई मेहनत आपने की है तो नेक्स्ट थ्री मंथ्स में उसका रिवॉर्ड आपका वेट कर रहा है इस चीज़ की 2023 में आपने उसकी मेहनत की आपने जो आपके हाथ में था आपने वो काम किया इस जिसकी थ्री नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आप उसका उसकी जो फाइनल लागत है जो उसकी अचीवमेंट है उसको आप अचीव करोगे ओके तो सक्सेस आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक और ऐसा माइंड सेट डेवलप होगा आपका कि मुझे और अचीव करना है मुझे और चाहिए ओके तो बहुत स्ट्रांग माइंड सेट में है पाइल नंबर टू वाले लेट्स आपके कार्ड से हमें यहाँ क्या इंफॉर्मेशन मिलती है Wow, we have King of Pentacles, Page of Pentacles, Two of Swords. एस ऑफ कप्स मैं इसे यहाँ रखना चाहूँगी क्योंकि मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी दिखी थी सेवन के कार्ड से एंड वी हैव फोर ऑफ़ पेंटिकल्स यस जो लिटरली मैंने ऊपर डिस्कस किया है किंग ऑफ़ पेंटिकल्स मुझे फिर से यही बता रहा है कि 2023 में अगर आपने कोई एफर्ट लगाया है ख़ास करके करियर को लेकर अपने काम को लेकर अपने बिजनेस को लेकर तो नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आप उसके जो रिवॉर्ड्स हैं उन्हें इन्जॉय करने वाले हो उन्हें उन्हें यू you नो know, पाने वाले हो और आप बहुत रिच महसूस करोगे बहुत वेल्दी महसूस करोगे कुछ लोगों के लिए यह भी पॉसिबिलिटी है कि जो हमने ऊपर बात कही थी कि आप खुद को समझोगे जानोगे इस जिसकी मनी के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है यू you नो know, इसके रिगार्डिंग वहाँ सारी डिस्कवरी हो सकती है आपकी ओके सो येस मनी कॉन्शियसनेस में हीलिंग है यहाँ पर बेटर हो रही है आपकी आपकी फाइनेंशियल uh, सिचुएशन भी तो जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही है लेट से आपकी तो आप वहाँ पर भी एक जो है हीलिंग uh, जो है अविटनेस uh, कर सकते हैं जो परेशानी है जो स्ट्रेस है वो आपके जीवन से जाएगा ओके okay? साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप आप यू you नो know, अपनी क्रिएटिव साइड को भी बहुत एक्सप्लोर करोगे क्रिएटिव साइड पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत फोकस्ड एनर्जी बहुत क्रिएटिव एनर्जी यू नो बहुत हीलिंग से भरी हुई एनर्जी भी होती है क्योंकि इसके जो पेंटिकल होता है उसमें स्टार की एनर्जी होती है राइट right? सो so, आप अपनी क्रिएटिव साइड को बहुत uh, समझने की कोशिश करोगे और आप उसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में यू you नो know, uh, खास करके जैसे सिंपल चीज़ें होती हैं कि बेड बनाया तो पिलो कैसे रखने हैं यू नो किचन में बर्तन कैसे रखने हैं ये सब चीजें ये सब क्रिएटिविटी है राइट तो आप अपनी क्रिएटिविटी को इंटीग्रेट करने की बहुत कोशिश करोगे आई बिलीव नंबर नंबर के लिए जो जो डिसीजंस डिसीजंस हैं बेटर हो सकता है कि आपके कर्मा का जो हमने बात बोली आपको उसके साथ भी यहां पर जुड़ी हुई हो ऊर्जा कि आप बेटर डिसीजन की वजह से अपना कर्मा जो है बैड कर्मा उसे रिली, रिलीज भी करो और गुड कर्मा को वेलकम भी करो सिंपली आप अपनी जैसे चॉइसेस को अपने डिसीजंस को बेटर कर रहे हो आप समझ रहे हो कि सही क्या है मेरे लिए और गलत क्या है मेरे लिए यू you नो know? तो ये जो माइंड सेट है ये आपको बहुत हेल्प uh, करेगा नेक्स्ट थ्री थ्री मंथ्स में कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आती हुई दिख रही है मुझे विद किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कोई शख्स हो सकता है या फिर साइन का कोई शख्स हो सकता है या फिर इस पर्सन की एक पहचान ये हो सकती है कि जब भी आप इस पर्सन को लेकर कोई रीडिंग देखते हैं लव रीडिंग देखते हैं तो ये सन कार्ड के रूप में आते हैं यू नो रीडिंग में तो ये जो पर्सन है इस पर्सन से आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है क्योंकि हमारे पास एस ऑफ कप्स भी है और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है ओके सो ये नंबर टू ये है आपकी रीडिंग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा ओके टेक केयर बाय हाय पाइल थ्री वेलकम टू योर रीडिंग सो लेट्स सी पाइल नंबर थ्री नेक्स्ट थ्री मंथ्स पे वो कौन से तीन इवेंट्स हैं जो आपके साथ होने वाले हैं ओके okay. आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं पाइल थ्री ओ वो सी मैं पहले ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ आपको ओके okay? एक चीज़ जो मुझे आ, इन तीनों कार्ड्स की एनर्जी को मिलाकर दिखती है वो ये है कि नेक्स्ट थ्री मंथ्स में सम हाउ आपका एक ऐसा वर्जन क्रिएट हो रहा है पायल नंबर थ्री जो जो बहुत पॉपुलर है ओके okay, बहुत पॉपुलर है इतना पॉपुलर है कि लोग इसे कॉपी करने की कोशिश करें कॉपी कैट यू नो आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे कॉपी कैट्स देख सकते हैं आपके लिए ये पॉजिटिव uh, भी हो सकता है कि आपको अच्छा भी लगे और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि आपको लग सकता है कि ओ भाई हाँ ये पर्सन मेरी मेरी मुझे कॉपी कर रहा है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ उसे कॉपी कर रहा है तो यू you नो know, ये ये uh, ये जनरल रीडिंग है तो मैं इसको दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ओके बट यस अच्छी चीज़ ये है कि आप पॉपुलर हो रहे हो ओके okay? अगर आपको खास करके फेम पसंद है तो डेफिनेटली नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आप इसे बहुत इंजॉय करोगे ओके okay? पहले इवेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें आई बिलीव आपकी जो फेमिन साइड है चाहे आपका कोई भी जेंडर है मेल फीमेल मैं सिर्फ एनर्जीज की बात कर रही हूँ ओके okay? जो फेमिन साइड जो हम सभी में होती है आपकी इसकी हीलिंग होगी ओके फेमिनिन साइड यहां पर हील होगी आप थोड़ा रिसीव करना सीखेंगे रिसेप्टिव मोड में टैप इन करेंगे और इसके चलते आपको यह भी एहसास हो सकता है कि यू नो वॉट मैंने कहीं ना कहीं अभी तक ये जो रिजिस्ट किया रिसीविंग एनर्जी को ये मेरी गलती थी ओके okay? तो एक तरफ आपकी फेमिनिन साइड हील भी हो रही है और दूसरी तरफ आपको थोड़ा सा गिवनेस का काम करना पड़ सकता है अपने आप को लेकर कि अभी तक आपने ये चीज़ क्यों नहीं की अभी तक मतलब आपने इस चीज को क्यों रिजिस्ट किया ओके सो फेमिन साइड अगेन रिसीविंग एनर्जी अपना ध्यान रखना थोड़ा सॉफ्ट यू नो लैंग्वेज का यूज करना थोड़ा सा नरम अपना स्वभाव करना गुस्से को जाने देना ये सब चीज जो है आप अपने बिहेवियर में मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे ओके दूसरी चीज मुझे आपका माइंड सेट एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से जाता जाता हुआ नजर आ रहा है माइंड सेट में खास करके कि अगर किसी चीज को ठान लिया तो उसे पूरा करके ही दम लेना अगर ये बिहेवियर अभी तक आपके पर्सनालिटी में मिसिंग है तो ये नेक्स्ट थ्री मंथ्स में ये मैनिफेस्ट होगा खास करके आपके माइंड सेट में आप अपने माइंड में अगर किसी चीज को किसी सीन को रेडी कर रहे हो तो आप उसे अपनी रियलिटी में भी पूरा करोगे ओके okay? तो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके माइंड की तो तीसरी चीज़ जो मुझे यहां पर दिख रही है आपके लिए वो ये है कि आप यहाँ पर रिलेशनशिप्स में भी ये जो हमारा पावर चल चल रहा होता है ईगो साइड रही डायने आप इसको थोड़ा सा नीचे नीचे करोगे ओके okay? आप ये समझोगे कि जो रिलेशनशिप है उसमें ताली एक हाथ से नहीं बचती दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है राइट right? तो आप अपने हिस्से का भी यहाँ पर जो रोल है उसे पूरा करोगे और दूसरे पर्सन को भी अलाउ करो, करोगे कि वो भी अपने हिस्से का काम करे करें आप स्पेस क्रिएट कर रहे हो अपने शनशिप में हेल्दी स्पेस ओके और उसका रीजन यही है कि आप रोल्स को समझ रहे हो कि मेरा भी रोल है और सामने वाले का भी रोल है यू you नो know, और इसके चलते आई थिंक जो इम्पोर्टेंस शब्द है रिलेशनशिप्स को लेकर इसकी एक बहुत जो हीलिंग है आपकी लाइफ में ओके okay? um, किस रिलेशनशिप को कितनी इम्पॉर्टेंस देनी है कहाँ पर इम्पॉर्टेंस से थोड़ा विड्रॉ करना है कहाँ वो इम्पोर्टेंस जो दूसरों को दी जा रही है खुद को देनी है ये सारी जो डिटेल्स हैं ये सारी जो इंटेलिजेंस हैं आप यू नो कहीं ना कहीं अचीव करोगे ओके सो रिलेशनशिप हीलिंग है आपके लिए ओके नॉलेट सी आपके टेरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं टेन ऑफ कप्स थ्री ऑफ पेंटिकल्स सिक्स ऑफ Sweet. स्वीट टेन ऑफ And एंड of ऑफ जो मैंने नरम मिजाजे की बात बोली या जो नरम यू नो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी बात बोली तो वो यहां पर दिखता है हालांकि ये बहुत रॉ एनर्जी है एट ऑफ वॉन्स की तो आपके लिए खुद ये बदलाव नया हो सकता है यू नो अपनी अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करना अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना लेकिन एट द सेम टाइम आप इसे इंजॉय भी करोगे इस नए चेंज को डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे ओके तो जब मैंने रिलेशनशिप की बात बोली उसके चलते पायल नंबर थ्री बहुत बहुत ब्यूटफुल मतलब बहुत ही ब्लेस्ड और ब्यूटिफुल एनर्जी आपके रिलेशनशिप्स में मैनिफेस्ट होगी विद ऑफ कप्स एनर्जी बहुत सारी हैप्पीनेस आप हैप्पी हो नेक्स्ट थ्री मंथ्स में अपने रिलेशनशिप्स को लेके चाहे लव हो चाहे करियर से जुड़े हो चाहे फैमिली से जुड़े हो ओके okay? आपका जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी है अपने रब के साथ अपने परमात्मा के साथ उसमें भी मुझे बहुत स्वीट बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी दिख रही है ओके सो डेफिनेटली टेन ऑफ कप से आप कोई ना कोई um, एक रेडिकल चेंज देख सकते हो अपने रिलेशनशिप्स में फॉर द बेटर और मुझे इसमें बहुत सन की एनर्जी भी दिख रही है तो अनएक्सपेक्टेड uh, चीज़ें लोग आपके लिए करें यू you नो know, और उसके चलते आप आप आपको ऐसा लगेगा कि यू नो वट मेरे रिलेशनशिप्स हील हो रहे हैं मैं हील हो रहा हूँ मैं हील हो रही हूँ ये जो थाट uh, प्रोसेस है आपका ये बनेगा ओके okay? साथ ही साथ ये भी लगता है कि नेक्स्ट थ्री मंथ्स में ये जो पर, ये जो मैंने ऊपर शद्दत का मैसेज दिया था आपको आपके माइंड सेट का वो ये भी हो सकता है कि आप अपने का अपने काम में उसे बहुत लगाएं ओके आप अपने करियर में उसे बहुत लगाएं और उसके चलते आप अपनी तरफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अट्रैक्ट करेंगे खास करके कोई ऐसी वर्क ऑपरचुनिटी भी जो आपने पहले करने का सोचा था लेकिन समहाओ आप किसी और ट्रैक के साथ जुड़ गए किसी और पैथ के साथ जुड़ गए लेकिन वही पास्ट का वो ख्वाब जो है उसी उसी चीज़ के ऊपर दोबारा काम करने का आपको मौका मिल सकता है ओके okay? तो पास्ट की एनर्जी प्रेजेंट में आएगी लेकिन बहुत स्वीटनेस को लेकर आएगी कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलियशन भी है अगर आप नो no कांटेक्ट में हैं तो आई थिंक आप अपने आप जो भी पर्सन है वो आपके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन का कार्ड है सो यस डेफिनेटली आप उस लिहाज से भी पॉजिटिविटी को विटनेस uh, कर सकते हैं मुझे ऐसा भी लगता है विद टेन ऑफ सोत्स एनर्जी इट्स हाई टाइम पायल नंबर थ्री कि आप अपनी नेगेटिव जो सेल्फ टॉक है उसको भी थोड़ा सा एक्नॉलेज uh, करें ओके okay? एक्नॉलेज करोगे तभी हील कर पाओगे ओके सो माइंडफुल होना कि मेरी खोपड़ी में चल क्या रहा है <laughs> मेरे दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है यू you नो know? थोड़ा सा माइंडफुलनेस जो प्रैक्टिस होती हैं चाहे मेडिटेशन हो गया गाइडेड मेडिटेशन्स बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए एफॉमेस बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए उनको यूज़ करना गुड ओके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे आपको उससे सो so, यस, yes, ये एक चीज जो है बेसिकली एक होमवर्क के रूप में आप कर सकते हैं ओके ऑल राइट पाइल नंबर थ्री ये है आपकी रीडिंग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा ओके टेक केयर बाय हाय फोर वेलकम टू योर रीडिंग सो लेट्स सी पाइल नंबर फोर नेक्स्ट थ्री मंथ्स में वो कौन से तीन इवेंट्स हैं जो आपके साथ होने वाले हैं थैंक यू इस पर है ओके सो पाइल नंबर फोर पहली चीज पहला इवेंट नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आपके लिए कोई ना कोई टावर मोमेंट आएगा ओके आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट हियर ये जो कार्ड है ये डायरेक्टली मुझे यही बता रहा है कि कोई चीज़ है ऐसी जो कैटलिस्ट का काम करेगी आपकी फर्दर ग्रोथ के लिए लेकिन ये जो ऊर्जा है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में आएगी यू you नो know? ये दिखने में ब्लेसिंग नहीं लगेगी लेकिन आपको आपकी गट फीलिंग के साथ कनेक्ट होना होगा एंड आपकी गट फीलिंग आपको कहीं ना कहीं ये गाइड करेगी कि यू नो वॉट दिस इज माई ब्लेसिंग ये मेरा टावर है ही नहीं ये दिखने में टावर है लेकिन ये है मेरी ब्लेसिंग ओके सो कोई चीज़ कोई एक ऐसा इवेंट जो जो बेसिकली कैटलिस्ट का काम करेगा हम टेरो से और इन्फॉर्मेशन लेंगे डोंट वरी बट यस एक टावर मोमेंट के लिए तैयार रहिए और ये बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की भी शुरुआत हो सकती है आपकी क्योंकि जब भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की एनर्जी के रूप में कुछ भी मैनिफेस्ट होता है तो वो एकदम से विजिबल नहीं होता कि यू you नो know, आगे क्या होगा आगे मेरे लिए क्या अच्छा है लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप यू you नो know, और जब हम बहुत रिदम में आ जाते हैं तभी ब्रेक थ्रू की एनर्जी हमारे लिए शुरू होती है तो ये एक, एक ब्रेक थ्रू का पीरियड है आपके लिए दूसरा इवेंट जो आपके साथ होगा आपकी जो सोशल स्किल्स हैं पायल नंबर फोर वो यहाँ पर बहुत इम्प्रूव होंगी ओके आप थोड़ा सा सोशलाइज़ करना सीखेंगे बाहर जाना लोगों से कांटेक्ट में आना लोगों से मीटिंग करना ये सब चीज़ों को आप यस yes कहोगे अपने हर्मिट मोड से बाहर निकलोगे और कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया अगर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पर हो तो आप उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ बहुत बड़ी प्रोग्रेस को विटनेस कर सकते हो ओके okay? जो भी लोग ऐसा करियर पाथ जिसमें कम्युनिकेशन यूज़ होती है जिसमें कही कहीं ना कहीं कैमरा यूज़ हो रहा है माइक यूज़ हो रहा है लाइट्स यूज़ हो रही हैं कोई भी करियर पाथ ऐसा उसको आपको उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए ओके okay? उसको उसको शेप देने की आपको कोशिश करनी चाहिए क्योंकि मुझे उसमें आपके लिए बहुत सारी रिच uh, एनर्जी और बहुत सारी फेम से भरी हुई एनर्जी दिख रही है ओके सो यस, एक मैसेज ये है तीसरा जो इवेंट आपके आपके साथ होगा कि जिन भी चीज़ों को आपने 2023 में प्रोकैस्टिनेट किया या फिर जो भी चीज़ें आपने ट्राई की लेकिन तीन तीन चार दिन के बाद वो उसमें फिर आप फेल हो गए फिर आपने कहा कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा फिर आप दोबारा अपने पुराने पैटर्न्स में चले गए पुराने हैबिट्स में चले गए वेट से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है इस चीज़ की आप फाइनली नेक्स्ट थ्री मंथ्स में एक रिदम इसके लिए क्रिएट कर पाओगे कि आपने किसी चीज़ को करने का सोचा आपने एक्शन लिया आपने उसे मेंटेन किया आप दोबारा ऐसे उसी ट्रैप में वापस नहीं गए जहां से आपने शुरू किया यू नो तो वो बैक टू स्क्वायर वन वाला जो पैटर्न होता है जो ट्रैप होता है आप उससे बाहर निकलने वाले हो कि बार 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 बार, बार, बार शुरू से शुरू करो शुरू से शुरू करो एक जो फ्रस्ट्रेशन का पीरियड होता है ना वो वो एंड हो रहा है आपका ओके जिसके आप चीजों को मेंटेन कर पाओगे और इसके चलते भी आपको आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे नेक्स्ट से आपकी टैरो से समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या यहाँ पर होने वाला है एक चैनल्ड मैसेज है पाइल नंबर फोर यू नो चाहे कोई भी हो यहां पर चाहे कितना भी ट्रस्टवर्दी कोई पर्सन क्यों ना हो अपने सीक्रेट्स मत शेयर कीजिए यहां पर बिट्रियल की भी एक पॉसिबिलिटी है आपके लिए कि कोई आपको धोखा दे सकता है ओके okay? सो so, अपने सीक्रेट्स जो हैं um, ना शेयर करें ओके वलनरेबल सीक्रेट्स खास करके यू you नो know, ऐसी ऐसी बातें जो हमें कहीं ना कहीं वॉलरेबल सिचुएशंस तक पहुंचा सकती हैं यू नो तो यस yes, इस एनर्जी से थोड़ा सा बचने की जरूरत है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सीक्रेट uh, को कभी भी शेयर करना मतलब सही नहीं होता इस ये जो टाइम पीरियड है आपका क्योंकि इसमें और बहुत सारी चीजें चल रही हैं तो इसमें इस साइड को थोड़ा सा ध्यान में रखना आपके लिए ठीक रहेगा ओके 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 Oh come on. Do you see this? We have the tower. We have the two of cups. Ooh. Okay. We have the devil. We have the queen of cups. Wow. So you do tower. You basically, um, ऐसी चीज़ों के बारे में हो सकता है जो डार्क हैं बेसिकली जो जो वीक हैं जो जो शारों से भरी हुई हैं मैनिपुलेशन से भरी हुई हैं आपके एडिक्टिव बिहेवियर्स भी हो सकते हैं यू नो तो डेफिनेटली ये जो एनर्जी है ये एक्सपोज होगी विदर एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी एक्सपोज होगी ओके मैंने आपको सीक्रेट्स का भी चैनल मैसेज दिया था और देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी आया है ये डेफिनेटली बहुत सीक्रेटिव क्वीन होती है क्योंकि ये ज्यादा ऑब्जर्व करती है फोकसड रहती है ज़्यादा शेयर नहीं करती यू नो सो यस वो एक मैसेज एक, एक यहाँ पर कंफर्म्ड होता है एक चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है आपके टू ऑफ कप्स की कार्ड में वो ये है कि सम हाउ पायल नंबर फोर आपकी ये टेंडेंसी है कि आप नो no कांटेक्ट में चले जाते हो सामने वाले की बात नहीं कर रही इस इसकी ये आपका कही न कहीं ना कहीं बिहेवियर है कि आप पहले एंगेज होते हो किसी पर्सन के साथ चाहे फिर वो फ्रेंड हो चाहे लव पार्टनर हो चाहे फिर वो कोई भी और भी रिलेशनशिप हो आप पहले एंगेज होते हो लेकिन फिर बाद में एकदम से आप विद्रॉ कर लेते हो और नो no कॉन्टैक्ट में चले जाते हो यू नो सम हाउ आई थिंक आप अपनी इस इस गलती को पहचानोगे नेक्स्ट थ्री मंथ्स में ओके okay? आपके बिहाफ पर ये जो गलती हो रही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत सारा प्यार है यू you नो know? मुझे बहुत मतलब ऐसे प्यारे लोग आप दिख रहे हो कि आपके अंदर भर भर के प्यार है बट सम हाओ या समाइम्स आप, आपको ऐसा लगता है कि आप इसे थ्रेटन्ड महसूस करते हो आपको लगता है कि ओ माई गॉज इट्स टू मच यू नो और एकदम से आप पीछे हट जाते हो बट आई बिलीव आपको अपना ये ये एनर्जी देखने की ज़रूरत है आप बहुत भरे हुए हो पॉजिटिव एनर्जी से उसको अगर आप खर्चोगे ना तो वो कम नहीं होंगी बल्कि और बढ़ेंगी ओके okay, तो यस आई थिंक ये जो नॉक नो कांटेक्ट में जाने की आदत है आपकी ये यहाँ पर डेफिनेटली हील होगी और इसके चलते बहुत सारी रिलेशनशिप रिपेयर आप रिलेशनशिप रिपेयरिंग होगी आपकी बहुत सारे आ, ऐसे लोग जो आपसे रूठे हुए हैं वो मनेंगे यहाँ पर एंड यस आप अपने किसी सोलमेट को भी यहाँ पर वेलकम कर सकते हो खास करके अगर आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हो अपनी ब्यूटी का ध्यान रखना अपने अपने ऊपर काम करना यू नो तो आप किसी सोलमेट को भी यहाँ पर वेलकम कर सकते हो आई थिंक मजिशन कार्ड मुझे सिंपली यही कह रहा है कि पाइल नंबर फोर आपको ये समझने की जरूरत है कि आप बहुत पावरफुल हो ये जो स्टेटमेंट है ये सिंपल स्टेटमेंट है लेकिन ये आपका मेन बिलीफ सिस्टम होना चाहिए ओके okay? आप बहुत पावरफुल हो आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हो साइकिक गिफ्ट से भरे हुए हैं, मैजिकल गिफ्ट से भरे हुए हो इस चीज़ आप इसे सेबोटाज करते हो कभी कभी क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने कुछ अच्छा ज़्यादा कर दिया तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी आपके हाथों से चली जाएगी ये पैटर्न को चेंज कीजिए ओके आई थिंक ये कहीं ना कहीं इस डेविल का भी असर हो सकता है तो ये एनर्जी जरूर एक्सपोज होगी और uh, कैटलिस्ट का, का काम करेगी कोई चीज़ आपके लिए हेल्थ के रिगार्डिंग भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि हेल्थ को लेकर भी कोई ना कोई ट्रिगर हो सकता है जो आपको बेसिकली कहे कि यू नो व्हाट ओके अब मुझे अपनी सेहत पर ध्यान देना है यू नो सो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए पायल नंबर फोर प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा ओके टेक केयर बाय हाई पायल फाइव वेलकम टू योर रीडिंग सो लेट्स पायल नंबर फाइव नेक्स्ट थ्री मंथ्स में वो कौन से तीन इवेंट्स हैं जो आपके साथ होने वाले हैं थैंक यू नाइस, वी हैव गुड फॉर्च्यून ओ वाह वी हैव गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून ओके एंड वी आल्सो हैव एन एंड लेस साइकल्स ओवरऑल एनर्जी पहले बात कर ले। ओके फाइल नंबर फाइव ऐसा लगता है कि ये ये नेक्स्ट थ्री मंथ्स का टाइम पीरियड आपके लिए लकी पीरियड है बहुत ओके okay? आप जैसे अपनी पांचों उंगलियां घी में पाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप जिस भी काम को कर रहे हो वो आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट करके दे रहा है आप जो भी एक्शन लेने का सोच रहे हो उसके रिगार्डिंग सेम मिलती जुलती अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से यू नो काम कर रहे हैं आपकी मनी ग्रो कर रही है यू नो ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें बेसिकली जो है आप इस टाइम पीरियड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओके okay? अगर मैं पहले आपके इवेंट की यहां पर बात करूं तो मुझे यहां पर आपके लिए यू you नो know, आपकी जो कंडीशनिंग है एक होता है ना कंडीशनिंग बचपन में हमें जो मिलती है हमारा हमारा बिलीफ सिस्टम खास करके प्रोग्रेस शब्द को लेकर कि प्रोग्रेस चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं आज, मेरे को तो प्रोग्रेस मिलती नहीं है मेरे को तो सक्सेस मिलती नहीं है ये जो कंडीशनिंग है आपकी अगर बचपन से ऐसे कोई पैटर्न्स रहे हैं या स्कूल में आपका कोई ऐसा पैटर्न रहा यू नो तो इसकी हीलिंग है ओके okay, ये जो प्रोग्रेस शब्द है ना इसके साथ आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होगा आप अब ये नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे आ, मैं आप बेसिकली आप ये कहेंगे कि यू नो व्हाट मैं मेहनत करता हूँ और मुझे उसका फल भी मिलता है मुझे उसकी प्रोग्रेस भी देखने को मिलती है ओके सो यस आपके जो बिलीव सिस्टम है आपके सबकॉन्शियस की हीलिंग बेसिकली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर तो सबकॉन्शियस हीलिंग है यहाँ पर और साथ ही साथ मुझे दूसरा इवेंट आपके लिए ये भी दिख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट बनोगे ओके अपने खुद के बिल्स पे करना यू you नो know, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो येस आपका ये भी हो सकता है कि और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएं लेकिन आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएं ओके okay? तो येस आप आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो आप अपना अपनी जगह भी कोई ले सकते हो अपना अपना खुद की कोई प्लेस अपनी खुद की कोई यू नो you know, अप, अपार्टमेंट हो सकता है घर भी हो सकता है इस इसकी आप आप कह रहे हो कि यू नो वट नाउ आई एम इंडिपेंडेंट यू नो मैं अब फ्री हूँ अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ जैसे एक पावर है जो आपके पास आ रही है नेक्स्ट थ्री मंथ्स में ओके okay? और इसके चलते आई थी कि आपके जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो भी बाहर निकलेगी तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आप आपकी एक नई सेल्फ बने अगर आप इंट्रोवर्ट थे तो हो सकता है कि आप एक्सट्रोवर्ट बन जाएं अगर आप एक्सट्रोवर्ट थे तो आप इंट्रोवर्ट बन जाए कुछ ना कुछ डिस्कवर होगा कोई ना कोई शिफ्ट होगा आपकी पर्सनालिटी में या आपके इर्द गिर्द के लोग भी कुछ नयापन आपके व्यवहार में देखेंगे और उसे डेफिनेटली इंजॉय भी करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है अपने आप में एक चैनल्ड मैसेज भी है आपके लिए और वो ये है कि नेक्स्ट थ्री मंथ्स में फाइल नंबर फाइव के कुछ लोग किसी पेट को अडॉप्ट कर सकते हैं ये पेट कैसे आपके लाइफ में आएगा ये बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस होगा मतलब आप सोचोगे भी नहीं और कहीं से ये पेट आ जाएगा और आप इसे नो नहीं कह पाओगे अपॉर्चुनिटी को ओके okay? सो so, पेट को भी आप वेलकम कर सकते हो तीसरा इवेंट एक्चुअल में स्पिरिचुअल इवेंट है आपके लिए क्योंकि ये बात करता है आपके साइकिल्स के बारे में ओके okay, आपके कार्मिक साइकिल्स के बारे में आप जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हो कार्मिक लोग जिनको आपको कुछ सिखाना है और जिनसे आपको कुछ सीखना है ओके okay? इनके साथ भी आपका रिलेशनशिप बहुत हाईलाइट होगा ओके okay? मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये बहुत पॉजिटिव पीरियड ही रहेगा बट ये yes, इसमें इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो बिटर स्वीट हैं जो कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी नम करेंगी बट एट द सेम टाइम आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि हाँ यही चीज़ मुझे सीखने की भी ज़रूरत थी यू you नो know? तो कार्मिक लोगों के साथ एक एक हाईलाइट हो रहा है आपका आपका कनेक्शन आपका रिलेशनशिप और सम आप इसे तीन महीने तक यू you नो know, कुछ क्लोजर्स भी कुछ रिलेशनशिप्स को क्लोजर भी दे पाएंगे ओके okay? तो येस ये तीन हाईलाइट्स हैं ना लेट्स ये अगर टेरो से कोई और डिटेल दिखती है हमें थैंक यू The Hermit. तो वो जो हमने <laughs> पीछे बात कही वो एनर्जी है यहां पेंटिकल्स ओके nice. okay, बहुत सारी अर्थ एनर्जी है यहां पर एक चीज मुझे ये दिखती है आपके uh, आपकी मूवमेंट के बारे में यू नो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ सोट्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो वही इंडिपेंडेंस का जो मैसेज ओ माय गॉड बॉटम ऑफ द डेक में भी सिक्स uh, की ही एनर्जी है आपके लिए सो एंजल नंबर सिक्स 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 बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए अच्छी चीज़ों को लेकर खास करके अगर आप यू you नो know, जब भी इस एंजल नंबर को देखें तो आप रिकन्सिलियेशन की प्रेयर कर सकते हैं यू you नो know, या विश मांग सकते हैं या फिर आप यहाँ पर um, और भी अबंडेंट बने ताकि आप और भी ह्यूमैनिटेरियन काम कर सकें और भी डोनेशन कर सकें ये विजन जो है इसे विजुलाइज कर सकते हैं या किसी ट्रैवल को आप विजुलाइज कर सकते हैं ओके okay? तो इस तरीके से आप इस एंजल नंबर के साथ काम कर सकते हैं लेकिन जो मैं आपसे आपसे कह रही थी कि आपका जो आ, इंडिपेंडेंट बनना है आपका जो ये इंडिविजुअल जो सेल्फ आपकी बाहर निकलेगी यू you नो know, ये कहीं ना कहीं आपके ऐसे डिसीजंस जो ट्रैवल से जुड़े हुए हों पहले हो सकता है कि आपको ट्रैवल के लिए पूछना पड़ता था यू नो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से घर से घर वालों से कि मैं करूं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं बट समाउ नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आपके पास इतनी पावर होगी कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा ओके okay? और आप ट्रू मायने में वो जो सच्ची में हम बोलते हैं ना कि हाँ मैं सच में फ्री हूँ मैं सच में इंडिपेंडेंट हूँ मेरी फैमिली मेरे ऊपर बिलीव कर रही है मेरे मेरे अपने मेरे ऊपर बिलीव कर रहे उन्हें पता है कि मैं रॉन्ग डिसीजन नहीं लूँगा तो ये ये एक्चुअल में साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत बड़ा चेंज है पाइल नंबर पाइल नंबर फाइव क्योंकि एक ना इसमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस है कि यार मेरे ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं मेरे डिसीजंस पर ट्रस्ट किया जा रहा है तो ये उस स्पेस से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके लिए ओके okay? साथ ही साथ यस मुझे ऐसा लगता है कि आप और मेच्योर बनोगे और वाइज बनोगे विद द हर्मिट कार्ड मुझे इंट्रोवर्ट ज़्यादा दिख रहे हो आप यू you नो know, आप अच्छी चीज़ों इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं होता कि एंगेज नहीं होना इंट्रोवर्ट का मतलब है कि आप उन एक्टिविटीज़ में एंगेज हो रहे हो जहाँ से आपकी बैटरी रिचार्ज हो जहाँ से आपकी बैटरी यू you नो know, तंदुरुस्त रहे सो so, माइंडफुल होना कि आप किस चीज़ को येस yes कह रहे हो बेसिकली ओके okay? साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपका आपका जो आ, करियर में अगर कोई इश्यूज़ हैं आपके तो उसकी रिपेयरिंग भी है यहाँ पर लेकिन उसके लिए हो सकता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा यू नो कोलाब करना पड़े थोड़ी सी सलाह लेनी पड़े लोगों से लोगों से मिलकर सलाह मशवरा करना पड़े राय जाननी पड़े लोगों की ओके okay? तो हेल्प मौजूद है आपके लिए और अगर करियर में कोई इश्यू चल रहा है तो डिस्कस कीजिए ओके बात कीजिए अकलमंद लोगों के साथ क्योंकि यहां पर विजडम भी अवेलेबल है आपके लिए ओके सो यस ये है आपकी डिटेल्स फाइल नंबर फाइव प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा ओके टेक केयर बाय हाय पाइल सिक्स वेलकम टू योर रीडिंग सो लेट्स सी पाइल नंबर सिक्स नेक्स्ट थ्री मंथ्स में वो कौन से तीन इवेंट्स हैं जो आपके साथ होने वाले हैं थैंक यू ओके ओ वाओ बहुत ड्रामेटिक एनर्जी है फाइल नंबर सिक्स यहां पर पहला इवेंट आपकी लाइफ में जो भी लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं यू you नो know, बेफिजूल आपके लिए कह लीजिए कि ब्लॉकेज़ को क्रिएट करने का काम करते हैं या फिर सिंपली क्योंकि आप बेहतर बन रहे हो आप हील हो रहे हो आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी इन लोगों को जो ट्रिगर करती है ये जो लोग हैं ना ये लोग एक्सपोज होंगे आपके पास एक सर्टन लिस्ट जो है वो मुझे नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आती हुई नजर आ रही है कि आपके पास एक लिस्ट होगी जिसमें आपको एग्जैक्टली exactly पता है कि यार ये वो पर्सन है जो मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए ओके okay? तो एक बहुत मैसिव लेवल पर क्लैरिटी है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोच रहे हो की जैसे विटनेस करोगे आप आपके पास प्रूफ होंगे आपके पास रिसीट होंगे <laughs> कि ये वो पर्सन है जो ड्रामा क्रिएट करता है और सम हाउ ये मेरी तरफ यू नो नेगेटिव एनर्जी भी भेजता है खास करके अगर आप यू नो साइकिक दुनिया से जुड़े हुए हो साइकिक करियर पाथ से जुड़े हुए हो तो कौन आपकी तरफ साइकिक अटैक्स की या ऐसे नेगेटिव एनर्जी भेजता है ये सब लोग एक्सपोज होंगे ओके और इसकी वजह से आपकी जो ब्लेसिंग मुझे दिख रही है वो ये है कि क्योंकि आपके पास क्लैरिटी होगी कि किनके साथ डील करना है किनके साथ डील नहीं करना या किनके साथ शेयर करना है किसके साथ शेयर नहीं करना उसकी वजह से यू नो किसी काम को करते वक्त आप आप यू you नो know, आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा कोई एक होता है ना काम को करने से पहले हम सौ बार सोचते हैं क्योंकि ये चल रहा है वो चल रहा है ये एनर्जी में शिफ्ट है ओके okay? ये जो एक्सपोजर है ना इन लोगों का मतलब ये जो एक्सपोज होंगे ये जो लोग ये आपके लिए बेसिकली हेल्प का ही काम करेंगे कि आपके ऊपर फिर बर्डन नहीं रहेगा परेशानी नहीं रहेगी या स्ट्रेस नहीं रहेगा और आप सोच के मतलब सौ बार सोच के जो काम करने की आदत होती है ना इसको आप हील कर पाओगे Okay, so yes, congratulations कि आप इस इस बहुत बड़े कह लीजिए कि साइकिल से बाहर निकल रहे हो दूसरी चीज आपकी लिमिटलेस पोटेंशियल बिग से भी जरा बोलूंगी दिस इज ह्यूज ओके <laughs> okay, क्योंकि शून्य 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 की एनर्जी है आपके लिए यहां पर सो नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आपके लिए जो हो रहा है पायल नंबर सिक्स वो ये है कि आप अनस्टॉपेबल बन रहे हो अनस्टॉपेबल ओके okay? बहुत सारे ऐसे काम जो बेसिकली आपकी मूवमेंट पे इंडिपेंडेंस को यू नो मैनिफेस्ट करें जैसे ड्राइविंग हो सकती है खुद कुक करना हो सकता है खुद से अपने खर्चे उठाना हो सकता है यू नो you know, आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स हो सकती हैं कि आप कितना पावरफुली और कितना मैजिकली मैनिफेस्ट कर सकते जो ये सब चीज़ों में ओ माई गॉड आप इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन विटनेस करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि यू you नो know, मैं अभी तक क्यों सोया हुआ था मैं अभी तक ये काम क्यों नहीं कर रहा था यू <laughs> नो you know, एक ऐसी एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है इसके चलते मुझे ऐसा पता है कि कम टाइम पीरियड में ज्यादा काम कर पाना ज्यादा रिजल्ट्स को यू you नो know, ले पाना जनरेट कर पाना ये सब चीजें हैं आपके लिए और फिनिश लाइन तक भी आप पहुंच पाओगे इस लिमिटलेस पोटेंशियल की वजह से जो चीजें मतलब होता है ना कि यार 6 महीने में कंप्लीट होंगी आप जैसे उन्हें थ्री मंथ्स में कंप्लीट करके फिनिश लाइन तक पहुंच रहे हो नेक्स्ट टास्क के ऊपर ध्यान दे पाओगे ओके सो तो यस बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजों को आप यहाँ पर अचीव करने वाले हो कंग्रेचुलेश और स्पिरिचुअली भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में आपका जो रिलेशनशिप है डिवाइन के साथ स्टार्स के साथ सन के साथ मून के साथ यू नो ये सब चीजों के साथ एक एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन uh, है बेसिकली ओके okay? साथ ही साथ आप यहाँ पर रिलीज कर रहे हो तीसरा इवेंट यही है कि आप नेगेटिव हैबिट्स को नेगेटिव लोगों को आ, या फिर ये ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें पहले नहीं पता होता कि ये रेड फ्लैग है और हम एंगेज हो जाते हैं तो इसमें इसमें एक एक चेंज एक है कि आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि ये चीज डेंजर है ये चीज खतरा ये चीज रेड फ्लैग है और इस मुझे नहीं जाना सो so, आपकी इंट्यूशन बहुत इंक्रीज होगी और आप यहां पर उसके चलते बहुत सारी नेगेटिव चीजों को रिलीज कर पाएंगे ओके सो अगेन मैं तो आपको बहुत बड़ी वाली कंग्रेचुलेन बोलना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत मैसिव अम, मैसिव एनर्जी है ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है टेरो से देखते हैं डिटेल्स क्या है ओके वी हैव द किंग ऑफ सोल्स इंटेलिजेंस येस आपकी इंटेलिजेंस आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बहुत इंक्रीज होगी वी ऑल्सो हैव द एट ऑफ वन्स क्वीन ऑफ वॉन्स फॉर सम रीजन मुझे एक मैसेज ये मिला चैनल मैसेज है ये uh, ये जो लोगों की हमने बात बोली कि कुछ लोग एक्सपोज होंगे uh, इनके मुंह मतलब ये वो लोग हैं जिनके मुंह से कुछ ऐसा निकलेगा कि हम बोलते ना कि सच आ ही गया जुबान पर सच निकल ही गया तुम्हारे मुँह से ये कुछ इस तरीके से एनर्जी अनफोल्ड होगी ओके कोई ऐसा पर्सन जो अमूमन बहुत अ, मतलब आपके बारे में अच्छा बोलता है लेकिन किसी फ्लो में या किसी प्रेशर की वजह से इसके मुंह से कोई ऐसी बात निकलेगी जो ये आपके लिए मन में छुपा के रखा हुआ था अभी तक यू नो तो इस वजह से ये एक्सपोज होगा और आपको समझ में आएगा कि ओके ये आपकी आपकी लाइफ का विलन है बेसिकली और ये ड्रामा क्रिएट कर रहा है ओके सो so यस yes, एक मैसेज यहाँ पर ये है वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्स किंग ऑफ सोथ एंड एट ऑफ वॉन्स वी आल्सो हैव द नाइन ऑफ वॉन्स एंड वी हैव द फोर ऑफ सोथ्स नाइस फोर ऑफ सोथ्स की एनर्जी काफ़ी मिलती जुलती है इस कार्ड से बहुत सारी रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा यू नो फ्लो की एनर्जी में टैप इन कर पाना क्योंकि आप अब अब आप देख पा रहे हो आप समझ पा रहे हो कि यू you नो know मैं पहुंच मैं पहुंचने वाला हूं मैं फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला हूं तो मुझे ऐसे यू नो स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है तो जैसे एक पॉजिटिव माइंड सेट है आई ऑल्सो बिलीव आपका आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है नेक्स्ट थ्री मंथ्स में ओके सम हाउ जैसे मैंने कहा आप शेड इतना करोगे ना रिलीज इतना करोगे कि वो जो बर्डन होता है दिमाग के ऊपर सौ बार सोचने का वो यहां पर आप पीछे छोड़ रहे हो और उसकी वजह से आपकी कॉन्फिडेंट सेल्फ बाहर निकल रही है ओके okay? बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सारा बहुत सारे ऐसा ऐसा चार्म है आपकी पर्सनालिटी में जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो बहुत सारे लोग जो आपके ऊपर क्रश रखते हैं ये सामने आ सकते हैं आपके ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके सीक्रेट एडमायरर्स बेसिकली साथ ही साथ संभाव कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो आपको मोटिवेट करेगा कुछ बड़ा करने का जो भी आप कर रहे हो लाइफ में ये पर्सन आपको ये रियलाइज करवाएगा कि तुम्हारी पोटेंशियल ज्यादा है यू you नो know, तुम जो काम कर रहे हो इसमें 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 स्ट्रगल्स हैं शायद इसमें शायद तुम्हें उतने ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं दिख रहे तो तुमको कुछ और करना चाहिए यू you नो know, तो एक पॉजिटिव सलाह भी यहाँ पर मौजूद है ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि आप इस सलाह पर एक्शन लोगे क्योंकि नाइन ऑफ वन थोड़ी स्टक एनर्जी होती है बट येस yes, आप इस इंटेलिजेंस ये जो ये जो सजेशन uh, है इसको सुनोगे जरूर इसके ऊपर इसको थोड़ा सा अपने माइंड में जरूर जगा दोगे ओके ऑलराइट पाइल नंबर सिक्स ये है आपकी रीडिंग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा ओके टेक केयर बाय हाई फाइल सेवन वेलकम टू यीडिंग फाइल नंबर सेवन नेक्स्ट थ्री मंथस तीन इवेंट्स हैं जो आपके साथ होने वाले हैं आपके लिए कार्ड को शफल करेंगे थैंक यू ओके दिस वन वी हैव द फेमिन फोर्सेस हम्म ग्रेट ब्लेसिंग्स एंड वी हैव लकी शिफ्ट वाओ फाइल नंबर फाइल नंबर सेवन इवेंट आपके आपके साथ जो होगा नेक्स्ट थ्री मंथ्स में ये जुड़ा हुआ है आपके रिलेशनशिप से ओके आपके रिलेशनशिप्स में मुझे पहले तो बहुत सारी इफेक्टिव एनर्जी एक होता है कि ऐसे रिलेशनशिप्स जो हमारे ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ें और हम उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट छोड़ें यानी एक बैलेंस्ड जो रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज होता है ना उसकी बात कर रही हूँ इज जैस की आपके रिलेशनशिप्स में ना बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मैनिफेस्ट होगा positive, बहुत ही पॉजिटिव बहुत डीपर लेवल पर हीलिंग होगी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं खास करके छोटी छोटी बातों की वो यहां पर रिपेयर होंगी वो यहां पर हील होंगी ओके okay? और उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाओगे और ये सेम जो बात मैंने आपको बोली है ये सेम बात कोई आपको बोलेगा कि तुम्हारी वजह से मैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहा हूँ बन पाया हूँ ओके सो ये थोड़ा इमोशनल आई थिंक इवेंट होगा थोड़ा सा इमोशनल ये मैसेज भी है अपने आप में बट ये yes, ऐसा लगता है कि जितनी भी डिवाइन गॉडेसिस की एनर्जी है जितनी भी मतलब डिवाइन एनर्जीज है ना ये आपको ब्लेस कर रही हैं अपने गुणों से जैसे माँ पार्वती का अपना गुण है माँ लक्ष्मी का अपना गुण है माँ सरस्वती का अपना गुण है है ना तो ये जितनी भी डिवाइन ब्यूटिफुल फेमिनन फोर्सेज हैं हमारे पास जिसके जिसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल भी हैं ये आपको जैसे अपने गुणों से ब्लेस कर रही हैं आपके अंदर इनके गुण आ रहे हैं ओके और ये गुणों की वजह से आप अपना भी सुधार करोगे और अपने के लोगों का भी सुधार करोगे एंड आई थिंक ये बहुत यूनिक मैसेज है मैंने आज से पहले कभी भी इस मैसेज को चैनल नहीं किया है सो so, बहुत ही न्यू और बहुत ही ऑर्गेनिक मैसेज कंग्रेचुलेशन दूसरा जो आपके साथ इवेंट होगा वो है आपकी सेल्फ लव की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो रेज होगी उससे मेरा मतलब क्या है मेरा मतलब ये है कि आप ऑलरेडी सेल्फ लव कर रहे होंगे फाइल नंबर सेवन इस चीज की नेक्स्ट थ्री मंथ्स में इसको आप और बढ़ाने वाले हो और आप समझने वाले हो खास करके रिजल्ट्स की वजह से कि क्योंकि आपने पहले जो सेल्फ लव किया उसकी वजह से आपको ये ऑप्टिमल रिजल्ट्स दिखे ये आपको ब्लेसिंग्स दिखी ये चीज़ कहीं ना कहीं रजिस्टर होगी आपके माइंड में और आप कहोगे कि क्योंकि मुझे यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है तो मैं इस पर थोड़ा और फोकस करूँ इस पर थोड़ा और ध्यान लेकर जाऊँ ओके okay? तो आपका सेल्फ लव थोड़ा और बढ़ जाएगा और उसके चलते यह बदलाव हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल केयर करने के लिए आप थोड़ा पहले जाग रहे हैं थोड़ा पहले उठ रहे हैं स्किन केयर को लेकर आप और यू you नो know, अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ा रहे हैं जब आप किसी काम को करना चाहते लेकिन नहीं मन कर रहा तो उस समय क्या करना है उस समय कैसे अपने माइंड को स्विच करना है अपनी फीलिंग्स को रिप्लेस करना है यह सब चीजें ये आपकी इंटेलिजेंस को ये आपके आपके माइंड में आने वाली और आपकी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ने वाली है ओके सो ग्रेट ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिंपली बिकॉज क्योंकि आप सेल्फ लव बहुत करोगे यहां पर आई ऑल्सो बिलीव ये जो टाइम पीरियड होगा नेक्स्ट थ्री मंथ्स का इसमें जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही कर रही खास करके ऐसी चीज़ें जो आपके आपकी ब्यूटी को कम करती हैं आपके पीस ऑफ माइंड को कम करती हैं आपको ऐसे भरा भरा सा रखती हैं ये लोग भी हो सकते हैं चीज़ें भी हो सकती हैं आप इनको लेट को भी कर पाओगे ओके एक स्ट्रेंथ अवेलेबल है आपके पास अगेन आई थिंक वो फेमिनिन फोर्स की ही पावर है नो you know, जैसे जैसे माँ पार्वती की ऊर्जा और माँ काली की जैसे कंबाइंड एनर्जी तो बहुत इंफिनिटी है आपके लिए यहाँ पर ओके okay? सो so, पहला कार्ड भी यहाँ पर आठ नंबर ही बना रहा है सो so, यस yes, मैं बहुत पॉजिटिव चेंजेस देख पा रही हूँ और तीसरा इवेंट जो आपके साथ होगा ये ये एक ऐसा इवेंट है जो अपने आप से हो रहा है आप इसके लिए कुछ कर नहीं रहे ओके इस चीज़ की ये टाइम पीरियड हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए बहुत ब्लेस्ड है बहुत लकी है इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप से हो रही हैं कम काम करके भी बड़े रिजल्ट दिख रहे हैं कम मेहनत करके भी बड़े रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो एक एक मतलब कॉस्मिक लेवल से एक ब्लेसिंग है आपके लिए और ये बस अपने आप से होगी अपने आप से ब्लेसिंग्स आ रही हैं अपने आप से मेरकुल्स हो रहे हैं ओके आपका काम बस यही है कि आप इसको रिसीव करें जो मुझे ऐसा लगता है कि फेमिलन फोर्सेस की वजह से आप ऑलरेडी इस मोड में हो तो यस बस आप इसे एंजॉय कीजिएगा आने वाले तीन महीनों में ओके ऑल राइट आपके टैरो कार्ड से भी जानते हैं कि और क्या होने वाला है डिटेल्स के रूप में थैंक यू Okay we have the three of cups mm, we have the queen of Pentacles. oh come on look, we have the four of wands. Yeh deck itna, matlab, itna hai na. Main bahut is, deck ko <laughs> is deck ko bhi, by the way ah, we have the star card. I love you pile number seven. And we have the ten of Pentacles. my God.

तो यस आई थिंक आपका जो भी नॉर्थ नोड है आप उसके साथ भी कनेक्ट हो, होने वाले हो नॉर्थ नोड की मैं जब भी बात करती हूँ मुझे क्वांटम जंप दिखने लगती है क्वांटम लीप दिखने लगता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप क्वांटम जंप भी करें ओके क्वांटम जंप दिख रही है मुझे आपके लिए और uh, मैं क्या कहूँ मतलब मैं इतनी मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ इस स्पाइल के लिए आ, कि मैं मतलब क्या ही कहूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से करियर में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है मुझे आप बहुत वेल्थ को अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो यू you नो know, बहुत सारी वेल्थ को बहुत सारी मनी को खास करके टेन ऑफ पेंटिकल्स भी है यू नो यहाँ पर और इसके चलते घर का नक्शा ही बदल रहा है आपका घर की वायु भी चेंज हो रही है आपकी यू you नो know, आप घर में कैसे उठते बैठते हो आपका आप कितना हंसते हो आपकी हंसी जो है मुझे ऐसा लगता है कि घर में गूंजे क्योंकि आप बहुत ऑलरेडी जैसे हाई वाइब में हो क्रिएटिव एनर्जी में हो खुश हो स्ट्रेस से स्ट्रेस uh, फ्री हो आप जैसे यू you नो know, और उसकी वजह से जैसे, जैसे घर में आपके आपके खुशियां आएंगी आपके खुद की हंसी गूंजेगी और uh, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपने घर को और भी सुंदर बनाएं ओके okay? कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिज का प्रपोजल दिख रहा है बहुत ब्लेस्ड बहुत ट्रस्टवर्दी वाइफ है इस पर्सन की इसकी फैमिली की एक ऐसा पर्सन जो वचन में बिलीव करता है मंगलसूत्र में बिलीव करता है फेरों में बिलीव करता है बच्चे चाहता है मतलब ऐसा पर्सन है तो कोई ना कोई मैरिज का प्रपोजल भी आपको मिल सकता है ओके okay? ओवरऑल ये शाइन करने का पीरियड है लेकिन ये एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत स्पिरिचुअली गाइडेड है यू you नो know, ये जैसे वो आ, ऐसे शो ऑफ वाला नहीं है ये ये है कि यस मैं हम्बल हूँ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और मैं ये भी समझता हूँ कि इस फेम का एक डिवाइन पर्पज़ भी है और मुझे हम्बल होके ही आगे बढ़ना है यू you नो know, एक ऐसा माइंड सेट है आपके लिए सो so, माई गॉड लव यू लव यू लव यू पायल नंबर सेवन मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा ओके टेक केयर बाय हाई पायल एट वेलकम टू योर रीडिंग सी पायल नंबर एट नेक्स्ट थ्री मंथ्स में वो कौन से तीन इवेंट्स हैं जो आपके साथ होने वाले हैं लेट्स सी ओके okay, आपके लिए आया है वन टू थ्री फोर जो कि प्रोग्रेस uh, के बारे में बात करता है इसके ऊपर लिखा है गुड लक वी ऑल्सो एक्ट ऑन योर आइडिया एंड बिलीव सिस्टम ओके पायल नंबर एट पहला इवेंट क्या है आपके लिए पहला इवेंट है आपके आपकी प्रोग्रेस ओके okay? मैं पहला कार्ड जो है इसमें जो नंबर है इस सीरीज़ को मतलब इन नंबर इस नंबर सीरीज़ को समझकर ये बात बोल रही हूँ बहुत सारी प्रोग्रेस बहुत सारी प्रोग्रेस इस वजह से भी क्योंकि आपके लिए हेल्प बहुत अवेलेबल होगी खास करके जो स्पिरिट राम है वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है आपने यहाँ पर प्रेयर की आपने यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा अपने गाइड से अपने परमात्मा से और यहाँ आपको आंसर मिला जैसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप बार 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 जिससे गुजरोगे ओके और इसके चलते आप राइट right डिसीजनस ले पाओगे और राइट right जो प्रोग्रेस है उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे ओके सो डेफिनेटली पॉजिटिव पॉजिटिव शिप्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इस कार्ड से मुझे ये भी समझ में आता है कि आपके लिए गुडकर्मा भी आने वाला है गुड रिवॉर्ड्स, गुड कर्मा की वजह से जो आपने पहले किए थे आप अपने बिलीव सिस्टम को भी बहुत ही okay? इस कार्ड में भी अवेलेबल है एनर्जी और इसमें तो है ही है यू नो इसके ऊपर तो लिखा ही बिलीव सिस्टम है सो यस आई थिंक दूसरा इवेंट आपके साथ यही होगा कि आपके सबकॉन्शियस की हीलिंग की वजह से आप अपने रिजल्ट्स को सामने देख पाओगे आप ये समझ आप ये भी समझ पाओगे कि कैसे हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं ये जो बिलीफ सिस्टम होता है ना ये जैसे बहुत स्ट्रांगली आपके माइंड में रजिस्टर करेगा आपके पास कोई ना कोई प्रूफ जरूर होगा यूनिवर्स आपको कोई ना कोई प्रमाण देंगे कि यस तुमने अपनी अपनी, 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 अपनी सबकॉन्शियस की हीलिंग की ये बिलीफ सिस्टम रजिस्टर किया और इस बिलीफ सिस्टम को हील किया एंड दैट इज़ वाई ये रिजल्ट तुम्हें मिल रहा है तो आप बहुत सीरियस हो जाओगे इस पूरे यू नो you know, काम को लेकर एंड आई थिंक तीन महीने के बाद की भी जो जर्नी है उसमें आप बहुत बड़े एफर्ट लगाओगे अपने सबकॉन्शियस को हील करने को ओके गो गेटर की जो एनर्जी होती है ना आप उसमें टैप इन कर रहे हो पायल नंबर एट कि ये चीज मुझे चाहिए तो बस मुझे चाहिए यू you नो know, एक अच्छी जो, जो जिद होती है उसमें आप टैप इन कर रहे हो ऑल्सो आई बिलीव इस इस ऊर्जा की वजह से शिफ्ट की वजह से आपका अमूमन ग्रैटिट्यूड बहुत बढ़ेगा और आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा ये कहने की जगह या ये सोचकर स्ट्रेस लेने की जगह कि हाई ये खर्चे कैसे निकलेंगे ये कैसे होगा वो कैसे होगा मैं ये क्या करूँ ये एनर्जी जैसे रिप्लेस हो रही है ग्रैटिट्यूड से आपका फोकस चाह रहा है कि जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं आप उनके ऊपर अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं और उसकी वजह से आपके जो आपके जो नियर फ्यूचर के इवेंट होंगे ना उसमें हमेशा ब्लेसिंग ही होगी ग्रैटिट्यूड से हमेशा ब्लेसिंग्स आती हैं ओके सो डेफिनेटली एक एक शिफ्ट है आपके बिलीव सिस्टम में ऑल्सो आई बिलीव पायल नंबर एट एक जो तीसरा इवेंट है आपके साथ अगर आपकी कोई डिवाइन टाइमिंग की खेल चल रही थी मतलब स्परिचुअली यू नो आप कोई चीज़ चाह रहे थे लेकिन आपको बार बार मैसेज मिल रहा था कि डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा और आप सोच रहे थे कि डिवाइन टाइम मेरा आएगा कब नाज तो यस, नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आपका वो डिवाइन टाइम आने वाला है ओके अब आपको और पेशेंस या और वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये चीज़ आपको मिलने वाली है एंड सम हाउ आई थिंक आपका जो डिवाइन टाइमिंग है ये जो शब्द है बेसिकली इसके साथ भी एक रिलेशनशिप हील होगा कभी कभी ऐसे जो टैग्स होते हैं ना ये हमें ट्रिगर uh, बहुत करने लगते हैं uh, जैसे कार्मिक शब्द से कुछ लोगों को बहुत ट्रिगरिंग होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कार्मिक रिलेशनशिप ट्रिगरिंग ही हो यू नो सो येस आई थिंक जो कुछ टैग्स हैं उनके साथ भी आपका जो रिलेशनशिप है हील होगा क्योंकि आप एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव से समझ पाओगे कि चीज़ें जो हमें बताई जाती हैं कि बुरी हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सभी के लिए बुरी हों यू नो सो Yes, यस पर मैं फिर से आपके माइंड सेट में एक चेंज देख रही हूँ आई ऑल्सो बिलीव अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो जो थोड़ा सा यू नो कॉपरेट करना जिसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ओपन अप होना मुश्किल है आई थिंक इस पर्सन का आप बिहेवियर चेंज देखोगे फॉर द बेटर ऑब्वियसली ये पर्सन थोड़ा ओपन अप होगा और इसको लेकर भी जो स्ट्रेस है आपका वो यहाँ पर कम होगा ओके नो लेट्स टेरो से हमें यहाँ पर क्या डिटेल्स दिखती हैं आपके लिए थैंक यू ओ दो कार्ड हैं ओके वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वी हैव द नाइन ऑफ कप्स प्योरफल वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक ये सेकेंड रीडिंग है मैं जिसमें फोर ऑफ पेंटिकल्स को और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देख रही हूँ बट येस बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल सो करियर में आप एक नई अपॉर्चुनिटी uh, को एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड हो सकता है कि ये जो प्रोग्रेस है ये आपके करियर के एरिया में ही मैनिफेस्ट हो आपको ऐसा लगेगा कि आप राइट right अपॉर्चुनिटीज को ग्राफ भी कर पा रहे हो येस yes भी बोल पा रहे हो काम में एडजस्ट भी हो पा रहे हो अगर कोई नया काम है अगर आप अपना कोई करियर ट्रांजिशन भी करना चाहते हो करियर पाथ चेंज करना चाहते हो आई थिंक उसकी भी पोटेंशल uh, अवेलेबल है यहाँ पर ओके okay? एक चीज जो बेसिकली आपको इसमें ब्लॉक कर सकती है वो सिर्फ है आपका खुद का माइंड सेट ओके आपके खुद के माइंड सेट में जो फियर बैठा है तो अगर आप इसे हील कर पाए इसे ओवरकम कर पाए तो ये जो करियर ट्रांजिशन है करियर पाथ चेंज करना है उसमें भी बड़ी सक्सेस है आपके लिए ओके एक चीज एक डिटेल मुझे ये भी दिख रही है आपके लिए कि पायल नंबर एट अब शॉर्टकट की जो दुनिया है <laughs> शॉर्टकट का ये जो मा, मामला होता है इससे डिस्टेंस बनेगा आपका फॉर द बेटर ऑब्वियसली ओके आप कहोगे कि यू नो व्हाट ठीक है शॉर्टकट से ये रिजल्ट मिल जाता है लेकिन मुझे अब कुछ लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो टिके जो मुझे स्टेबल होने का एहसास दिलाए चाहे रिलेशनशिप है चाहे करियर है, है मन का टिकना बेसिकली ओके okay? तो यस yes, आप शॉर्टकट को यहाँ पर नो बोलोगे और लॉन्ग टर्म प्लान्स लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर बिल्ड के ऊपर काम करने की कोशिश करोगे उसे बिल्ड करोगे इसके चलते आई थिंक आपके अंदर बहुत सारी ह्यूमिलिटी भी आएगी यू you नो know, आपके जो कलेक्टिव कॉजेज होते हैं जैसे यू you नो know, हमें हमें क्यों अडॉप्ट करना है एनिमल्स को या फिर हमें यू you नो know, क्यों अपनी नदियों को साफ रखना है क्यों हमें मदर अर्थ गाया को यू you नो know, उनका ध्यान रखना है ये छोटी छोटी चीज़ें जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चल रही होती हैं इनमें जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बढ़ेगा क्योंकि आई थिंक उसका रीजन यही है कि आप ब्रॉडर परस्पेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो आप शॉर्टकट या फिर जो वो जो फास्ट फैशन की एनर्जी होती है उससे बाहर निकल के आप बोल रहे हो कि यू नो वट नो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए क्या अच्छा है मेरे लिए क्या अच्छा है धरती माँ के लिए क्या अच्छा है और जो जीव जंतु हैं प्राणी हैं उनके लिए क्या अच्छा है जैसे ऐसा माइंड सेट है आपका एंड आई थिंक इसकी वजह से आप बहुत सारा गुड कर्मा क्रिएट करोगे क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारा गुड कर्मा लेकर आता है अपने साथ ओके सो येस एक चीज़ ये है आई ऑल्सो बिलीव आपका ममा के साथ आपके अगर मम्मा आपके पास हैं तो उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत हील्ड होगा ममा से बहुत प्यार मिलेगा और आप अपनी ममा को भी बहुत प्यार दोगे कोई गिफ्ट देना चाहते हो अगर आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट तो वो विश भी आपकी पूरी हो सकती है ओके okay, अगर आप अपनी मम ममा, ममा को कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो आप वो सपना अपना पूरा कर पाओगे एक विश आपकी मॉम से जुड़ी हुई है जो मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है Okay, so congratulations, file number eight. ये है आपकी रीडिंग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने वेट कीजिएगा ओके टेक केयर बाय नाइन वेलकम टू योर रीडिंग सो लेट्स सी पायल नंबर नाइन नेक्स्ट थ्री मंथ्स में वो कौन से तीन इवेंट्स हैं जो आपके साथ होने वाले हैं थैंक यू हम बारी बारी हर इवेंट की बात करेंगे लेकिन मैं ओवरऑल एनर्जी डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर एक तरफ आपकी एनर्जी बात करती है बिल्कुल नई बिगिनिंग के बारे में नए स्टार्ट के बारे में और दूसरी तरफ जो चीजें ऑलरेडी चल रही है उन्हें कैसे मेंटेन रखा जाए कैसे उन्हें बैलेंस रखा जाए उसके बारे में भी ओके okay? तो कुछ नई चीज़ें भी हो रही हैं लेकिन जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसमें भी आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें भी आपका पार्टिसिपेट है पार्टिसिपेशन है ओके ना लेट्स टॉक अबाउट योर थ्री मेन इवेंट्स नंबर वन पायल नंबर नाइन पहला क्या हो रहा है आपके साथ कि आपकी एक फाउंडेशनल एनर्जी तैयार हो रही है नेक्स्ट थ्री मंथ्स में उससे मेरा मतलब क्या है उससे मेरा मतलब है कि आपका डेली रूटीन आपका करियर सुबह जाना मतलब सुबह काम सुबह काम पर निकलना और फिर यू you नो know, शाम को घर लौटना एक स्ट्रक्चर बेसिकली एक फाउंडेशन उसकी आपके डेली रूटीन की आपका आपका डाइट क्या होगा आपकी फूड क्या होगी उसकी फाउंडेशन आपके रिलेशनशिप्स यू नो आपको अपने रिलेशनशिप्स को कितना टाइम देना है आ, कब कब मिलना है कब कब आपको फोन करना है ये सब चीज़ें बेसिकली एक स्ट्रक्चरल एनर्जी जो है मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है इसकी वजह से होगा क्या इसकी वजह से आप लॉस्ट की एनर्जी से बाहर रहोगे मतलब आपका लगा कि मैं लॉस नहीं हूं अब, ओके क्योंकि क्लैरिटी है आपके पास तो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है मैं धीरे धीरे लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं अपने अपने के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ संभाव आपका हो सकता है कि खुद के ऊपर ट्रस्ट करना डिफिकल्ट रहा है क्योंकि आपने शायद पहले प्रोमिस किए अपने साथ लेकिन उनको पूरा नहीं किया लेकिन ये चीज़ में चेंज होगा और आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे ओके okay? तो यस डेफिनेटली एक न्यू रिदम है एक न्यू स्टार्ट आपके लिए आपका वेट कर रहा है दूसरा इवेंट जो आपके साथ हो रहा है वो है आपके रिलेशनशिप्स खास करके ऐसे रिलेशनशिप्स जिनमें जिनमें बेसिकली एक होता ना कि इस रिलेशनशिप की वजह से मैं ब्लेस्ड महसूस करूं, मैं रिच महसूस करूं, मैं लकी महसूस करूं कि लुक एट माय मैन लुक माय माई ममा एट माय माय पापा यू नो हम बोलते ना कि मैं कितनी लकी हूं, मैं कितना लकी हूं कि मेरे पास ऐसी माँ है मेरे पास ऐसे ऐसे, ऐसे फादर हैं मेरे मेरे जो मेरे जो पार्टनर है वो इतने अच्छे हैं तो इस ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी की मैं बेसिकली बात कर रही हूँ ओके okay? प्रॉस्पेरिटी इन योर रिलेशनशिप पायल नंबर नाइन जो बेसिकली नेक्स्ट थ्री मंथ्स में आपका वेट कर रही है आपके लिए जो भी पेंडिंग पड़ा है मतलब आपने किया लेकिन सामने वाले ने वो नहीं किया वो एक्शन नहीं लिया तो उसमें चेंज है पेंडिंग एनर्जी यहाँ पर कंप्लीट होगी क्लोजर में आएगी और उसकी वजह से ये आपको आपको यू you नो know, आपकी एक इमोशनल हीलिंग हो सकती है अगेन आप बहुत लकी महसूस कर सकते हो और साथ ही साथ आपकी जो खुद की फेमिनन एनर्जी अगर वोंडेड रही है बहुत आप देते रहे देते रहे देते रहे लेकिन लिया नहीं आपने कभी मिला नहीं आपको कभी रिसीव नहीं कर पाए तो आपकी फेमिनन साइड भी यहाँ पर हील होगी ओके इसके चलते आप ये देखिएगा कि आपकी आपकी ब्यूटी बहुत बढ़ रही है मतलब कुछ नहीं बदला लेकिन फिर भी आपका जैसे चेहरा खिला खिला सा है आप खुश हो जैसे आपका माइंड सेट बहुत अच्छा है आपका आपका और बहुत पॉजिटिव हो रहा है यू नो तो एक एक फेमिनन जो एनर्जी होती है वो अच्छे से आपके अंदर से चैनल करेगी ओके तीसरा इवेंट जो आपके साथ हो रहा है वो है आपके स्पिरिचुअल साइड जो है आपकी लाइफ की और इसमें क्या है कि एक सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जी में आना यू नो सिंपली अवेयर होना कि क्या मेरे लाइफ में हो रहा है कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है वो अलग वो डिटेल्स की बात हो जाएगी लेकिन सिंपली चीजों को लेकर अवेयर होना मेरे घर में क्या चल रहा है मेरी बॉडी में क्या चल रहा है मेरे करियर में क्या चल रहा है जैसे जैसे आपका माइंड बिजी हो रहा है थॉट्स के साथ लेकिन अच्छे ढंग से बिजी हो रहा है एक होता है ओवर थिंकिंग बेफिजूल की जो चीजें नहीं भी हैं मन घड़ कहानियां अपने दिमाग में बनाते हैं ये वो नहीं है ये है जैसे आपका क्राउन चक्रा बहुत ब्यूटिफुली फ्लो में है चैनल कर रहे हो आप उसकी एनर्जी को और आप चीजों को लेकर अवेयर हो ओके okay? क्योंकि आप अवेयर हो तो उसके रिगार्डिंग आप पॉजिटिव एक्शंस भी ले पाओगे और उसके चलते हो सकता है कि कहीं जहां फॉरगिवनेस पेंडिंग पड़ी है आप वहां पर फॉरगिव करें जहाँ पर आपको थोड़ा सा यू नो इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है uh, वहाँ पर आप उस एनर्जी को चैनल करें तो ये पॉजिटिव एक्शंस आप बेसिकली ले पाएंगे इस एनर्जी की वजह से ओके okay? तो बहुत अगेन इंटरेस्टिंग स्प्रेड है आपका लेट्स सी आपके टेरो से हमें क्या डिटेल्स मिलती हैं वी हैव द सेवन ऑफ सोड्स हालांकि मेरी शफलिंग कंप्लीट नहीं हुई तो मैं ऐसे नहीं लूंगी कार्ड को लेकिन जो सेवन ऑफ सो है वो ब्रॉडर परस्पेक्टिव में ट्रांसफॉर्मेशन uh, की बात करता है स्परिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की और अगर यू नो स्मॉलर परस्पेक्टिव में देखें तो ये बात करता है मैन्यूपलेशन की सीक्रेट्स की या बिट्रेयल की यू you नो know, तो सम हाउ आई थिंक क्योंकि नंबर थर्टीन भी है जो ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात करता है सो सम हाउ आप किसी किस्म की बिट्रेयल से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे या हील कर पाएंगे जो आपको अतीत में कहीं ना कहीं उसका जो सामना करना पड़ा ओके okay? आप माफ कर माफ कर पाओगे अगर किसी ने आपको कोई धोखा दिया है ओके सो वी हैव द नाइन ऑफ वॉन्ट्स वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स वी हैव द द्री ऑफ सो वी हैव द ओ वाओ कम ऑन फेमिनिन फोर्सेज और दोनों ही दो पावरफुल फेमिनिन फोर्सेज आई हैं आपके लिए मैं एक्चुअली में थ्री ऑफ सोट्स कार्ड को देखकर यहां पर खुश हूं आपके लिए क्योंकि यहाँ पर इसकी तरफ पीठ है ये जो ज़ीब्रा मेडिसिन आई है आपके लिए इसका मुंह नहीं है इसकी तरफ बल्कि इसकी तरफ पीठ है तो ये ये आपकी यू नो पास्ट की एनर्जी बन जाती है मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर नाइन आप बहुत गंदे वाले किसी किस्म के बिट्रेल से गुजरे हो या तो रिसेंटली या ट्वेंटी में ओके okay, जिसकी वजह से आपका बहुत uh, दिल टूटा और बहुत गहरे तरीके से दिल टूटा इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको जकड़ा भी क्योंकि नाइन ऑफ स्ट्रगल का भी कार्ड है यू you नो know? लेकिन अगर आप इस नाइन ऑफ वॉन्स को देखेंगे इसमें जो जीब्रा स्पिरिट है उसे यूनिकॉर्न स्पिरिट के रूप में दिखाया गया है ज़ीब्रा का सिंग नहीं होता लेकिन यूनिकॉन का होता है राइट यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न जो है वो एक मैजिकल क्रिएचर गिने गए हैं वो हर चीज़ को वाइब्रेंट कर देते हैं हर सीन को लवली चार्मिंग बना देते हैं यूनिकॉर्न की एनर्जी तभी बच्चों के लिए आपको देखेंगा कि बच्चों के लिए जो का कार्टून हैं या बच्चों के लिए जो चीज़ें बनती हैं उनमें यूनिकॉर्न बहुत होता है क्योंकि वो हर चीज़ को इसे वाइब्रेंट बना देते हैं ये जो ये जो क्रिएचर है वही चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है ओके okay? आप डेफिनेटली फॉरगिव कर पाओगे आप आगे बढ़ पाओगे आप ये भी समझ पाओगे कि जिसने आपका दिल तोड़ा वो पावरफुल नहीं है बल्कि आप पावरफुल हो क्योंकि आप उसे फॉरगिव करके आगे बढ़ पा रहे हो ओके okay? अगर कहीं पर कोई ऐसा भी आपका पैटर्न रहा है कि किसी ने आपका दिल इस वजह से तोड़ा क्योंकि आप डिजर्व करते हैं क्योंकि आप ये हैं आप, आप वो हैं वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है तो यस आप इससे भी उभर रहे हो आप कह रहे हो कि वो इंसान गलत था इस वजह से उसने धोखा दिया मेरी क्या गलती मेरी कोई गलती नहीं है यू you नो know? तो आप अपनी नज़रों में अपने आप को बड़ा करोगे और मैं आपको बहुत टाइट हक भेज रही हूँ इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आप ऐसा सोच पा रहे हो सो so, येस yes, चीज़ें बेटर हो रही हैं ऑल्सो आई बिलीव आप यहाँ पर क्योंकि अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हो आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी और उसकी वजह से आप अमूमन जो गिफ्ट्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बर्थडे गिफ्ट मतलब ऐसे ही मतलब कोई अप्रिसिएशन के लिए गिफ्ट दे रहा है कोई सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है आप ऐसे एक्सपीरियंसेस को भी विटनेस कर सकते हैं ओके okay? किसी कोई भी आपको मतलब छोटा सा ही चाहे गिफ्ट हो लेकिन आपको कोई गिफ्ट रिसीव होगा और आपको अच्छा लगेगा कि ये ना कोई कोई पर्सन है जो आपके ऊपर ध्यान दे रहा है आपकी केयर कर रहा है ओके okay? करियर के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये और और अगर आप यहां पर अमूमन मटेरियल चीजें चाहते हैं अपनी लाइफ में आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप वेल्थ को अगर मेन मुद्दा बनाएं मनी ऑफर्मेशन करें तो मुझे आपकी तरफ बहुत सारी लग्जीरियस चीजें आती हुई दिख रही हैं विद्रेस्कार एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी है स्टार्टिंग फ्रेश का मैसेज ये भी हो सकता है कि आप शुरू से शुरू कर रहे हो अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी को अगर पास में आपको कोई सक्सेस नहीं मिली तो आप उसको पीछे छोड़कर दोबारा से आगे बढ़ रहे हो और उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी ओके लॉन्ग टर्म जर्नी में हो आप तो जो भी होगा जो भी रिजल्ट्स आप अचीव करोगे इस टाइम पीरियड में वो लंबे समय तक टिकेंगे आपके लिए ओके सो कंग्रेचुलेशन फाइल नंबर नाइन ये है आपकी रीडिंग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने के साथ शेयर कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा ओके टेक केयर बाय